गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन। जखाऊ के समंदर से पाकिस्तान बोच अल नोमान के साथ सात पाकिस्तानी नाविकों को पकड़ा था। पाकिस्तानी नाविकों ने पकड़ जाने के डर से समंदर में ड्रग्स फेंक दिया और ये ड्रग बैकर के किनारे पर आ गया। बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान ड्रग्स के पैकेट बरामद कर लिए हैं। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से बोच में ड्रग लादा गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। जखाऊ बंदरगाह पाकिस्तानी जलसीमा से सबसे नजदीक भारत का बंदरगाह है। अमित राजपूत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, पाकिस्तान की तरफ से ये कौन सी नई साजिश रची जा रही थी ड्रग्स को लेकर के? देखिए, ये लगातार जो नापाक पाकिस्तान के इरादे जो हैं, ये बार बार गुजरात बॉर्डर के ऊपर गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने उसे पस्त किए हैं। फिर से ये एक मामला जो है, तकरीबन दो दिन पहले गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने अल नोमान बोट जो है पाकिस्तान की और उसके साथ में सात पाकिस्तानी नागरिकों को जखाऊ बंदरगाह में भारतीय जल सीमा में उन्हें पकड़ा था, ट्रैप किया था। उसके बाद में ये जो सातों पाकिस्तानी नागरिक थे, इन्होंने जो ड्रग्स था वो समंदर में फेंक दिया था। उसको लेके कोस्ट गार्ड लगातार इसका ड्रग्स का सर्च ऑपरेशन कर रही थी और समंदर में वो जो ड्रग्स था वो बहकर किनारे पे आया और जो हरामी नाला की जो जल सीमा कही जाती है वहां पे ये ड्रग्स के पैकेट जो है वो पहुंच चुके थे और उसे बीएसएफ ने बरामद किया। उसके बाद में बीएसएफ ने ये पूरा मामला कोस्ट गार्ड को दिया और गुजरात एटीएस की, क्योंकि ये पूरी जानकारी गुजरात एटीएस की थी, तो ज्वाइंट ऑपरेशन ये किया गया और उसके अंदर से ये एक नया खुलासा हुआ है कि फिर से पाकिस्तान जो है वो ड्रग्स बेचने के लिए गुजरात का जो समंदरी इलाका है उसका प्रयोग कर रहा है। फिलहाल सातों सात पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया है, उनको पूछताछ की जा रही है।